11 दिन हो चुके हैं स्ट्रेटेजिकल तरीके से पुतिन आगे बढ़ रहे हैं। कल भी हमने उनकी बातचीत सुनी जो उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। आज भी उन्होंने अर्दगन को साफ संदेश दिया है कि आप हमारी मांगे मान लीजिए तो मैं रुक जाऊंगा। इमैनुअल मैक्रों हैं, 1 घंटे 45 मिनट तक फोन पर बातचीत करते रहे। इसराइल के राष्ट्रपति मुलाकात करते हैं, अचानक पहुंचते हैं, फिर बातचीत करते हैं जेलेंस्की से। कैसे देख रहे हैं सर चीजों को अब आप आगे तक के लिए? देखिए ऋषि जी, अभी अलग अलग देश के जो लोग आकर के बात कर रहे हैं, इसराइल 16% इसराइल में रशियन ज्यूज हैं और 90% लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि रूस में एक ज्यू स्टेट है ईस्ट ऑफ रशिया में, नॉर्थ कोरिया और मंगोलिया के बीच में आता है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, ऑटोनोमस स्टेट है रूस के नीचे और नाम है उसका ज्यू स्टेट, और रशिया में काफी ज्यूज हैं। और रशिया इसकी इजराइल की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें काफी ज्यूज हैं जो रशियन ओरिजिन के ज्यूज हैं, तो इनकी उस हिसाब से और इनके काफी अच्छे रिलेशन रहे। अभी इजराइल का मेन इशू सीरिया में अटका हुआ है, वो सीरिया में कुछ एक्शन लेना चाहता है लेकिन वो रूस के बिना नहीं ले सकता है वहां पर, तो वहां फंसे हुए हैं। टर्की भी सीरिया में फंसा हुआ है इसलिए वो भी दोस्ती करेगा, और सीरिया के की जो किंगडम बची हुई है आज वो रूस के बलबूते पर बची हुई है, क्योंकि अमेरिका ने तो पूरे सीरिया को नीचे बॉम्ब किया था। से ऊपर तक जोर लगा करके उसको गिराने की कोशिश करी। तो आप देखिए कि ये हम सिर्फ यूक्रेन को देख रहे हैं, ये उधर भी चल रहा है, ये जो लोग आकर के इनसे बात कर रहे हैं इसके सीरिया भी एक कारण है।